हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद साक्षी में आज हम बनाएंगे करारी भिंडी। करारी भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम भिंडी को अच्छी तरह से धुल के उसको अच्छे से सुखा लेंगे। ये मैंने देखिए कुछ भिंडी कट भी कर लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से धुल के सुखा दिया है। हमको इसको इस तरह से कट करना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे कट करना है। इसके लिए मैं एक भिंडी लूंगी, इसको बीच से कट करूंगी और इसके बीच वाले पोर्शन को हमको निकाल देना है। बीच वाला पोर्शन इसलिए हम लोग निकालते हैं ताकि इसका लिसलिसापन जो है वो नहीं रह जाता है। हमारी भिंडी बहुत ही अच्छी कुरकुरी बन के तैयार होती है। ऐसे ही हम सारा निकाल लेंगे। मेरे चैनल को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि भिंडी करारी भिंडी कैसे बनाते हैं। ऐसे ही हम सारा कट कर लेंगे। ये देखिए भिंडी के सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको हमको कट करना है पतले पतले लंबे लंबे पीसेस में। तो ये मैं बता रही हूँ आपको कैसे कट करना है, कैसे कट करना है। फ्रेंड्स, अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब करें, रेड बटन प्रेस करें और इसके साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे जो भी मैं नया नया वीडियो शेयर करूँगी आपसे वो आप तक तुरंत पहुँच सके। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कट करना है। ऐसे ही हम सारा कट कर लेंगे पतले पतले पीसेस में। अब इसको हम एक बाउल में ले लेंगे। भिंडी को कट करके मैंने एक बाउल में ले लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले काली मिर्च पाउडर, ये हाफ टी स्पून मैं लूँगी, इसमें ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर 1 स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसमें हम बेसन और सूजी ऐड करेंगे। इसमें मैं 1 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच, 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच चावल का आटा। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हमको लास्ट में डालना है। अभी हम नमक डालेंगे तो भिंडी हमारे पानी छोड़ देगा। फ्राई करते समय हमको नमक डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने गैस पर कढ़ाई पहले ही रख दिया है। हमारी भिंडी में मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम फ्राई करने के लिए और इसमें पहले नमक डालेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तेल मेरा पहले से ही गर्म हो चुका है। इसको मैं हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी और चेक कर लूँगी एक भिंडी तेल में डाल के कि तेल हमारा गर्म हो चुका है कि नहीं। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसे हम थोड़ी सी भिंडी डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी भिंडी डाल के ही हमें फ्राई करना है और हाई फ्लेम से पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है। देखिए हमारी भिंडी गोल्डन हो चुकी है। अब मैं मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी। हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसमें से आवाज़ भी आ रहा है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ऐसे ही सारा हम तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। हमारी भिंडी फ्राई होकर तैयार है। देखिए कितना करारा है। अब इसको हम और चटपटा बनाने के लिए इसमें डालेंगे चाट मसाला। 1/2 टीस्पून में चाट मसाला इसमें डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून लेमन जूस। अब इसको आप चाय से या जिससे भी आपको अच्छा लगे उसके साथ खा सकते हैं। अब इसको मैं एक प्लेट पर निकाल लूँगी। लीजिए तैयार है हमारी करारी भिंडी। अब आप इसे घर पर ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ।